मोदी सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर कई कंपनियों ने पिछले महीने कई अहम फैसले लिए जो कल से लागू होने जा रहे हैं। इनमें पहला फैसला आरटीजीएस और एनईएफटी के नियम में बदलाव का है जो आपके लिए राहत लेकर आया है। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने वाले उपभोक्ताओं से कोई चार्ज नहीं वसूलने का फैसला लिया है। आरबीआई ने प्राथमिक खातों के मामले में नियमों में कुछ छूट दी है। अब ऐसे खाताधारकों को चेकबुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी और बैंक इन सुविधाओं के लिए खाताधारकों को कोई न्यूनतम राशि रखने के लिए नहीं कह सकते। वही अगला नियम है, 1 जुलाई से कम मिलेगा आपको ब्याज। मोदी सरकार ने कई योजनाओं के ब्याज दरों में कटौती करने का निर्णय लिया है। छोटी ब्याज योजनाओं के लिए ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की गई है। नई ब्याज दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर अब 8% ब्याज दर के बजाय 7.9% ब्याज मिलेगा। मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर कम करने का निर्णय लिया है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.5% की जगह अब 8.4% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव संभव है। 1 जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है। वहीं एसबीआई के नियमों में भी बदलाव होगा। एसबीआई 1 जुलाई से रेपो रेट से जुड़े होम लोन ऑफर करेगा। एसबीआई से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को रेपो रेट कम होने का लाभ मिल सकता है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियों के दाम 36,000 रूपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये नई कीमतें 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी। यानी साफ है कि कल से लागू होने जा रहे नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। डीबी